नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज व्यू। लगातार हम लोग खबरों में बने हुए हैं। कल सिवान में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और सिवान के 8 सीटों पे मतदान किए जाएंगे, यानी 8 विधानसभा सीटों पे के लिए मतदान किए जाएंगे। आपको बता दें कि सिवान में 8 सीटों के लिए टोटल 111 प्रत्याशी अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं। किन किन सीटों पे कितने प्रत्याशी हैं, कितनी जनसंख्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से आपको बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बताना चाहते हैं कि सिवान में जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, काफ़ी पुख्ता किए गए हैं। हर तरह के फोर्स की यहाँ व्यवस्था की गई है। स्थानीय बिहार पुलिस से लेकर CRPF, RPF भी पुलिस भी यहाँ आई हुई है और बिहार सुरक्षा फोर्स भी यहाँ पे आई हुई है। तो हर तरह की कुछ केंद्रीय सुरक्षा बल के पुलिस भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो हर तरह की पुलिस फोर्स की यहाँ व्यवस्था की गई है और तमाम लोग इस गाड़ियों में अपने अपने गंतव्य स्थान यानी बूथों पर जा रहे हैं और वहाँ सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। और इस बार की व्यवस्था खास ये है कि इस बार सभी बूथों पे सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, कोरोना को देखते हुए सारी व्यवस्था की गई है। और आपको बताते हैं कुछ आंकड़े जो जरूरी हैं आपके जानने के लिए। आपको बताना चाहते हैं कि सिवान में कुल 24,53,520 मतदाता जो है वो मत का प्रयोग करेंगे अपने, जिनमें उसकी संख्या 12,78,861 है। वहीं महिलाओं की संख्या जो है 11,74,570 है एवं अन्य जो है वो 89 हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहते हैं कि जो भी अभ्यर्थी लड़ रहे हैं वो 111 संख्या है उनकी, टोटल विधानसभा मिला के 111 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि मतदान केंद्र कुल 3571 हैं, वहीं कुल संवेदनशील केंद्रों की संख्या जो है 2576 है। सम्मान मतदान केंद्र जो हैं वो 995 है। आपको बता दें कि गश्ती दल सह EVM संग्रह दल की कुल संख्या 954 है। साथ ही साथ आपको बता दें जोनल दंडाधिकारी की कुल संख्या 316 है, सुपर जोनल दंडाधिकारी की संख्या 41 है, क्विक रिस्पॉन्स टीम की कुल संख्या 27 है। केवल महिलाओं की संचालित कुल मतदान केंद्र 50 हैं जो सिर्फ महिलाएं वहां संचालित करेंगी। और साथ ही साथ मॉडल मतदान केंद्र की कुल संख्या जो है वो 16 है। प्रत्येक विधानसभा में 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जो मॉडल होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में कुल संख्या प्रयुक्त बैलेट यूनिट की संख्या 4487 है। विधानसभा निर्वाचन में कुल प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट की संख्या है 3571। तो इस तरह से सारे आंकड़े आपके सामने हैं और ऑब्जर्वर जो हैं वो कुल ऑब्जर्वर होंगे 518। वेव कास्टिंग मतदान केंद्रों की कुल संख्या जो वेव से कास्टिंग की जाएगी, टेलीकास्ट किया जाएंगे, 437 है। तो इस तरह से कुल संख्या आपको बता दी है हमने। और आप आपको बताना चाहते हैं कि सिवान में किस विधानसभा से कुल कितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। सिवान की अगर हम बात करें तो सिवान 105 विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे कुल प्रत्याशी 14 हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जिला 106 विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से कुल प्रत्याशी 12 हैं। उसके अलावा 107 दरौली विधानसभा है जहाँ कुल प्रत्याशी 4 हैं। दरौदा विधानसभा है जहाँ कुल प्रत्याशी 11 हैं। भरिया विधानसभा है जहाँ कुल प्रत्याशी 14 हैं। गोरियाकोटी विधानसभा है जहाँ कुल प्रत्याशी 24 हैं। वहीं महाराजगंज विधानसभा है जहाँ कुल प्रत्याशी 27 हैं, यानी कुल 111 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर DM काफ़ी सजग हैं और स्थानीय सारी व्यवस्थाएं वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद ही देख रहे हैं। तो कल शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन काफ़ी सजग है। चुनाव आयोग के सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है और सभी को एक विशेष निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो वह त्वरित विशेष अधिकार से उस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से कल का जो मतदान होगा वो काफ़ी सुरक्षाओं के बीच होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए होगा। अब कल की पल पल की खबरें हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप हमें फॉलो करें, लाइक करें और हमें देखते रहें। सिवान से कैमरा पर्सन आशीष के साथ आकाश न्यूज़ ब्यूरो।